अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है वेजिटेबल टिक्की की। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है पहले हम वो देख लेते हैं। आधा किलो मैं बॉइल्ड आलू यूज़ कर रही हूँ, उसमें 3 अदद हरी मिर्च, मोज़रेला चीज़, 1 प्याली बंद गोभी, 1 प्याली शिमला मिर्च, 1 प्याली बेसन, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, हसबे ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, थोड़ा सा बारीक कुटा हुआ हरा धनिया। इन 3 चीज़ों का मिक्सचर हम बाद में तैयार करेंगे, इसे हम साइड पे कर देते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी, उसमें मैं आलू का मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ। बाउल में सबसे पहले मैं आलू ऐड करूँगी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च, ऑल स्पाइसेस, अब हम सब वेजिटेबल ऐड करने के बाद इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। पहले इसे अच्छे से मैश करके ताकि सब वेजिटेबल अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप इसे मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ये ज़्यादा मैश हो जाता है। इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, अब मैं इसकी टिक्की बनाऊंगी। थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेके इसके अंदर हम चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ को मैंने हाथ की मदद से तोड़ लिया था, आप इसे क्रश भी कर सकते हैं। गोल सी से मैंने शेप दे दी है, ऐसे ही मैं बाकी मिक्सचर की भी टिक्की बना के रख लूँगी। टिक्कियाँ बना के मैंने रख ली हैं, अब मैं उसके लिए बेसन को घोल लेती हूँ जो मैंने उस पर लगाना है। इसके अंदर मैं सुरख मिर्च और नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें पानी ऐड करती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा, और अच्छे से इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मैंने तैयार कर लिया है टिक्कियों पे लगाने के लिए। पैन में मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। टिक्की को मैं अच्छे से बेसन में डिप करूँगी और इसे कुकिंग ऑयल में हम फ्राई होने के लिए रख देंगे। ऐसे बारी बारी सारी टिक्कियाँ हम फ्राई होने के लिए कुकिंग ऑयल में ऐड कर देंगे। सारी टिक्कियों को कुकिंग ऑयल में फ्राई होने के लिए मैंने रख दिया है। एक साइड से पहले हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। ताकि ये दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए। टिक्कियों को दोनों साइडों से मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। मज़ेदार वेजिटेबल टिक्की बनके तैयार है। एक को मैंने कट करके दिखा दिया है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।